हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट पान मसाला बिजनेस। अब दोस्तों, पान मसाला की अगर आप दुकान खोलते हैं, यानी गुटखा, पान, तंबाकू, कुछ जनरल आइटम भी रखते हैं लोग, जो कि आप अपने आसपास सड़क के किनारे या आसपास की दुकानों में आप देखते होंगे कि बड़े लेवल पे हर जगह होता है। ख़ास तौर से इसे हम गुमटी कर सकते हैं, कुछ लोग रूम में भी खोजते हैं, कुछ लोग खोखा बोलते हैं, अलग अलग जगह इसे अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो अगर इस तरीके का आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितनी मार्जिन लगेगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप एकदम कम लागत पे स्टार्ट कर सकते हैं, एकदम बहुत ही कम लागत पे। और मार्जिन की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो ये है, ये पब्लिक डिमांड बिजनेस है, यानी लोग इसे खाने ही चाहते हैं, हर हाल में खाना चाहते हैं। और यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो MRP से ज़्यादा बिकता है। इवन अगर ये महंगा भी हो जाए तो भी लेने वालों की कमी नहीं होती है, यानी कि लोग इसे मतलब कि खाने के लिए पागल हैं। इस वजह से इस तरीके का बिज़नेस अगर हम करते हैं तो हम कभी भी मंदी में नहीं रहेंगे, हर टाइम हम पैसे अच्छे कमाएंगे, ठीक है। ख़ास तौर से आपको कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बिकती है, जैसे पान मटेरियल हो गया, पान हो गया, ठीक है, खा के पान बनारस वाला। और इसके अलावा गुटके होंगे, 7-8 गुटके होते हैं मार्केट में, जो 1 रुपये से लेकर 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक बिकते हैं। हर इसमें से 3-4 ब्रांड है, जैसे कि सबसे बड़ा ब्रांड रजनीगंधा हो गया, कमला पसंद हो गया, विमल हो गया, ये 3 है जो सबसे ज़्यादा ब्रांड में आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी गुटके जो क्षेत्रीय गुटके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जनरल स्टोर में, यानी चॉकलेट रख सकते हैं, वेफर्स रख सकते हैं, कुरकुरे, नमकीन रख सकते हैं, अगरबत्ती वगैरह रख सकते हैं, माचिस तो मान लीजिए रखना ही है भाई, क्योंकि आप यहाँ पे सिगरेट भी बेचेंगे, तो ये सारी चीज़ें, बीड़ी, सुरती, मतलब सारा कुछ आप बेचेंगे, ठीक है। तो इन सब बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप एक घूमती खोखा जो भी बनवाते हैं उसको बनवाने में आपको 25 से 30 हज़ार रुपये लगता है, ठीक है। 25 से 30 हज़ार, कहीं कहीं देखिए ऊपर नीचे हो सकता है 10-5 हज़ार रुपये, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा यार, ठीक है। तो इतने में आप उसे स्टार्ट करेंगे और प्रोडक्ट लेने के लिए बहुत कम अमाउंट लगेगा, यानी कि अगर आप सभी कंपनियों के एक एक पैकेट या दो दो पैकेट गुटके लेते हैं तो 5 से 10 हज़ार में आपके गुटका, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, चॉकलेट, बिस्किट, ये सिगरेट, ये सारी चीज़ें आप 5 से 6 हज़ार रुपये में फुल प्रूफ मतलब अपने दुकान को भर सकते हैं आप, ठीक है, और बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब गुटके में मार्जिन कितनी होती है? दोस्तों, गुटके का बिज़नेस में मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होती है, कम से कम 30% होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 50% गुटके में, ठीक है। वो भी जो मैंने जैसे कि ब्रांड बताया कि रजनीगंधा, कमला, विमल, इन सब में भी 20% 25% की मार्जिन मिलती है। इसके अलावा जो आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बिकता होगा उसमें भी आपको 30 से 35% की मार्जिन मिलती है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह, अलग अलग जगह पर अलग अलग गुटका मतलब मशहूर है, ठीक है, लोकल एरिया को, 2-3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, ठीक है। इसके अलावा जो सिगरेट है उसमें भी 10 से 20% की मार्जिन होती है, बिस्किट वगैरह में 10% की मार्जिन है, चिप्स वगैरह में 15% की मार्जिन है, चॉकलेट में आपको 30% 15 से 30% की मार्जिन है, यानी इस तरीके से ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो आप 25% की मार्जिन पे खरे उतरेंगे अगर आप पान शॉप यानी गुमती स्टार्ट करते हैं इस तरीके के बिज़नेस। यानी कि अगर आपने दोस्तों एक दिन का 2000 रुपये भी अगर आप बिज़नेस करते हैं, मात्र 2000 रुपये, तो भी आप 500 रुपये 600 रुपये आप आराम से कमा के घर लेके जाने वाले हैं। अब आप सोचिए कि 5000 रुपये के बिज़नेस में अगर आप 500 600 700 रुपये कमाते हैं, तो सबसे बड़ी बात, आपने इस बिज़नेस को 50000 की कम अमाउंट में ही स्टार्ट कर दिया। जो भी अमाउंट आपने लगाया वो अभी आपके पास है, डेली आप इस बिज़नेस से हज़ारों रुपये कमा के जा सकते हैं। इस बिज़नेस में अगर आप 1000 रुपये कमाना चाहते हैं तो अच्छा प्लेस चुनना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे कि पेट्रोल टंकी हो गया, वहाँ पर लोग रुकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी छोटी गाड़ियाँ, तो वहाँ पे आपका बिज़नेस अच्छा चल सके, जहाँ पे वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, पानी, गुटखा, पान, तंबाकू, बिस्किट, नमकीन, सारी चीज़ें वहाँ पे बिकेंगी। इसके अलावा मतलब मार्केट है एकदम बीचों बीच, अगर आप वहाँ पे चौराहे पे रखते हैं तो वहाँ पे कोई बढ़िया रेस्टोरेंट है उसके आसपास रहते हैं, जहाँ पे लोग रुके, ठीक है, वहाँ पे बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलता है। वहाँ पे अगर आप रुकते हैं तो दिन के 1000 नहीं दोस्तों, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये आप इनकम करके जाएंगे, लोग करते हैं, ठीक है। तो
उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी जानकारी मैंने बहुत कम समय में आपको अच्छे से बता दी होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि यार 4-5 मिनट के वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं और किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तुरंत रिप्लाई दूंगा आपको और वीडियो बना के आपको बताने की भी कोशिश पूरी रहेगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ज़रूर रिक्वेस्ट है आपसे। और ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी वीडियो देखना है तो ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल, जो मेरा पहला मेन यूट्यूब चैनल है जिसपे लगभग 91,000 सब्सक्राइबर हैं, तो उसे भी सब्सक्राइब करिए। उस पर आपको 600 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी बिजनेस से रिकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।